लामा फेरा बेसिकली क्या होता है, लामा और फेरा दो वर्ड्स हैं उसको मिलके बना है, ये बात अभी तक सबको क्लियर हो गई है। लामास वो है जो बुद्धा की फिलॉसफी को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और फेरा वो है जो हम जब हीलिंग करते हैं, हीलिंग का एक प्रोसेस है फेरा, जो हम 2.5 चक्कर अपने पेशेंट के आसपास लगाते हैं। ये क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा। सेकेंडली लामा फेरा क्या क्या करता है, क्या बेनिफिट्स है उसके। सबसे पहला है आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फियर से फ्रीडम देता है, इविल स्पिरिट्स, नेगेटिव एनर्जीज से फ्रीडम देता है, आपकी मेमोरी और इंसाइट्स जो होती है उसको बढ़ाता है, फिर आपकी विल पावर को बढ़ाता है, आपकी पास्ट लाइफ इश्यूज जितने भी आप कैरी कर रहे हो इस जन्म में वो सब हटाता है, ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर हुआ है वो भी हटाता है। सेकेंडली आपका जो घर का वास्तु है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो, नजर दोष हो, कुछ भी किसी भी तरह की हीलिंग हो वो सब लामा फेरा के अंतर्गत आती है। फिर आपका जो बॉडी का इनसाइट्स है, मतलब अंदर के जो भी पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उनके ऊपर भी करता है। ठीक है, अभी यहां तक सब क्लियर है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली जब आपकी प्रॉब्लम्स हट जाती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। इससे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, आपके फाइनेंसिस भी सुधरते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इनसाइट्स भी आती है, रास्ते खुलते हैं आपकी लाइफ के, और जहां आप स्टक हो, जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ के, वो हीलिंग के थ्रू अपने आप निकल जाते हैं अटूटमेंट्स के बाद। ठीक है, तो आपको आगे क्या करना है उसकी भी इनसाइट्स मिलती है। ओके, अच्छा, अब ये क्या नहीं कर सकता है लामा फेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी आगे जवाब देना अगर कोई आपसे पूछेगा तो। ये जो आपकी क्रूशियल बीमारियां होती है, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, या आपका डायबिटीज हो गया, या आपको बहुत सालों से कोई और ऐसी कोई बीमारी है जो मतलब लाइलाज जिसको बोला जाता है, उस बीमारी को ये जड़ से खत्म नहीं करता है, उसके इंटेंसिटी को कम कर देगा। आपको जो दर्द हो रहा है, जो आपको तकलीफ हो रही है उससे, उसमें आपको आराम मिल जाएगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि आपका इतना लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, या आप इस तरह से उस चीज को अपने अंदर संभालो कि आपकी बीमारियां भी दूर हो जाए, यू नेवर। ठीक है, ये पेशेंट्स के ऊपर भी होता है, जो हॉस्पिटल में है उनके ऊपर भी किया जा सकता है, घर में बच्चों पर भी किया जा सकता है, बड़ों पर, हर सेक्ट पर ये किया जा सकता है, इवन एनिमल्स पर भी किया जा सकता है। ठीक है, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, कोशिश कीजिए बच्चों पे ना करें। उसका रीजन है क्योंकि अभी उनकी ग्रोथ हो रही होती है ना, 8 साल से छोटे बच्चों को ना छेड़े तो अच्छा है, अंटिल अनलेस उन्हें बहुत कोई प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी चीज आप लोग ये नोट कीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर दूंगी। दूसरी चीज, बच्चों को हल्का सर्दी बुखार होता है उस पर यूज ना करें, क्योंकि दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, उनका इम्यून सिस्टम बन रहा होता है। ठीक है ना, तो उसको सबसाइड करने की जरूरत नहीं है। जो बहुत ज्यादा एजेड है उन पर भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जो पेशेंट हॉस्पिटल में है आप उनका डिस्टेंस से कर सकते हो, आप अपने घर पे बैठे हो और पेशेंट आपका वहां है तो आप उसकी फोटो मंगाकर उसके साथ कर सकते हो। वो कैसे करा जाएगा वो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी। ठीक है, दूसरा, आप अपने घर में किसी से के साथ भी कर, मतलब जो भी आप करना चाहे आप फ्रेंड्स में भी कर सकते हैं, आगे चल के बाहर जो भी है आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है, चाहे वो आप घर में किसी का भी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को सब लोग नोट कर ले, लिख ले। एनर्जी एक्सचेंज मतलब पैसा लेना बहुत जरूरी है। इन केस कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जहां पर आप बोलते हैं अरे इनसे क्या पैसा लेना, ये आता है मन में, होता है ना। अगर आपने सपोज अपनी सास का किया तो वो तो पहले कि भाई मेरे से पैसा मांग रही है, दैट इज नॉट गुड, मतलब एक वो फीलिंग वैसी होती। कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ दे भी देते हैं, इट्स नॉट कि हार्ड एंड फास्ट। तो ऐसी स्थिति में आप उनसे कुछ मटीरियल में ले लो, कुछ चीज ले लो, या उनको उनको बोल दो आज मुझे ये अपने हाथ से खिला दो, और क्लियर बोलो ना कि हम आपकी वो कर रहे हैं, हीलिंग करा है। आप उनको प्रॉब्लम होगा तभी हीलिंग करोगे ना उनको, राइट? तो उनसे थोड़ा सा कुछ भी एक्सचेंज में ले लो, उनको बोल दो एक फुल्का बना के खिला दो, वो भी बहुत है। एनीथिंग यू हैव टू टेक इन एक्सचेंज। अब आप पूछो कि लेना क्यों है, एक्सचेंज क्यों जरूरी है,
एनीवन बताएगा कोई मुझे ये एनर्जी एक्सचेंज क्यों जरूरी होता है? कार्मिक कनेक्शन कट करने के लिए जो हमने उनको उनकी हीलिंग करी तो उस चीज को निगेट करने के लिए. ओके ठीक है. ओके ऋषिका जी आप बताएं आपका क्या व्यू है. एक सॉर्ट ऑफ कॉर्ड कटिंग जैसे कि हम लोग वापस उसको कैरी ना करें उनके एनर्जीज को, हीलिंग स्टॉप हो जाता है वैसे. देखिए सबका कर्मा उसका अपना होता है. ठीक है जब आप हीलिंग कर रहे हो तो उस जो आपका पेशेंट है उसके पास ये सब जो चीजें आई है वो किसी ना किसी वजह से आई होगी, है ना. जनरली क्या होता है हमारे अपने ही कर्म नेगेटिविटी हम अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिविटी अपने कर्मों के कारण, राइट. तो अब क्या होता है आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले के जो कर्म वो भोग रहा है उसको आराम दे रहे हो कि भैया चल ठीक है हमसे देखा नहीं जा रहा तेरा तो हम थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, भगवान की इतनी कृपा करके उसने हमें मीडियम बनाया है तो हम आपको रिलैक्स कर रहे हैं, है ना. लेकिन वो कर्मा तो है, कर्मा तो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन कर्मा उसका है तो आप क्यों भोगो, है ना. आप तो उसको हेल्प कर रहे हो. तो इस वजह से जब हम एनर्जी एक्सचेंज ले लेते हैं और मनी इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मनी है लिक्विडिटी. मनी रिप्रेजेंट करता है मून को, चंद्र को, है ना. ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब ये होता है तो वो हमारा कर्मा कट जाता है. तो उसका जो कर्म है, जो उसका जो बैड कर्म है जिसकी वजह से उसे तकलीफ है, वो आप तक नहीं आएगा. क्लियर है. और क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, पता नहीं उसने कहाँ कहाँ से क्या क्या इकट्ठा किया हुआ है जिसकी अभी तकलीफ हो रही है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एनर्जी एक्सचेंज. एम आई क्लियर इन दिस? अच्छा, मिनिमम जो गुरुजी ने कहा है वो है आप किसी बाहर वालों की हीलिंग करते हैं, किसी की भी करते हैं, तो मिनिमम आप 1100 रुपीज चार्ज कर सकते हैं. अब वो आपके ऊपर है कि आप उससे कम लेना चाहें तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है. बट एक नॉर्म बनाया हुआ है कि 1100 आप चार्ज कर सकते हैं मिनिमम. ऊपर आप ले लें, आप जितना लेना है वो आपके ऊपर है. हाँ जी बोलिए सोनल जी, पूछिए. मैम ये जो 1100 है पर सेशन है या नंबर ऑफ सेशंस के लिए? It is per session. वो सब मैं डिटेल्स दूंगी. मैं एक ओवरऑल आपको जस्ट एक थोड़ा सा सिनेरियो बता रही हूँ कि किस तरह से ये हमें आगे बढ़ना है. इसमें आप लोग अभी सीखने वाले हो तो आपका भी माइंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना. क्योंकि अभी आपसे लोग पूछने वाले हैं, जैसे ही पता चलेगा ना लाभा फेरा सीख रहे हैं तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास जरूर आएंगे. तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर टू आंसर दैम. ओके, तो पर सेशन चार्जेस होते हैं इसके और मिनिमम 3 या 5 सेशंस आपको करने हैं ऑल्टरनेट में. क्लियर है. ये हम जनरली पूर्णिमा के दिन करते हैं लेकिन अमावस्या को हम ये जो होते हैं सेशंस नहीं करते हैं. अमावस्या के एक दिन पहले, एक दिन बाद और अमावस्या वाले दिन, तो ये 3 दिन हम अवॉइड करते हैं. उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि उस टाइम पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज बहुत पावरफुल होती है. ओके, और हम यहाँ क्या करते हैं, हम नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने का काम करते हैं. तो आपको तकलीफ दे जाएगी क्योंकि वो नहीं निकल पाती है इजीली. क्लियर है. देखिए छोटा सा, हाँ जी लाभा फेरा का आपको ये बताया कि इस तरह से ये काम करता है, मतलब हमें क्या करना है. ओके, अब हम आते हैं मैम. हाँ जी पूछिए, पहले नाम बोलिए क्योंकि मेरा क्या है, ऐप पे मैं देखती हूँ. नमिता जी, नमिता जी पूछिए. मैम अमावस के आपने बोला एक दिन आगे और एक दिन पीछे नहीं करने का है. 3 days, so three days अवॉइड करें. क्योंकि देखिए अमावस्या और पूर्णिमा की एक चीज होती है कि इनकी जो एनर्जीज होती है ना ये एक दिन पहले और एक दिन बाद तक रहती है. ओके, ऐसे तो दो दो दिन तक रहती है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा पावरफुल है हाँ वो 3 दिन रहती है. ठीक है, चलिए अभी बेनिफिट्स हो गए हैं आपको सबको. लाभा फेरा किट के बारे में भी बता चुकी हूँ. मैम वन मोर क्वेश्चन, जैसे हम ये कह रहे हैं कि अमावस्या के एक दिन पहले और बाद में नहीं करना, इन केस हम सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, इन दैट केस तो भी अवॉइड कीजिए ना, है ना. क्योंकि देखिए अभी क्या है, ये जब आप लोग बहुत परफेक्ट हो जाओगे ना, बहुत सारी हीलिंग्स कर ली है आपने, 25-50 हीलिंग्स कर ली आराम से, आपको एनर्जी सब समझ आने लगेगी. अभी नहीं पता है कि कौन सी आप तक आ रही है, कौन सी आपको नहीं लेनी है,
है ना, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रोटेक्शन भी सिखाऊंगी कि किस तरह से अपने आपको प्रोटेक्ट करना है, कैसे आपको दूसरे की एनर्जी आप तक नहीं आए तो कॉर्ड कटिंग किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी सर इसमें, ठीक है? अच्छा हाँ जी बोलिए। मैम अंजना बोल रही हूँ। हाँ जी मैम। हाँ मैम, ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो ये मनी है, लिक्विडिटी और चंद्र से रिलेटेड है, तो हमें हम तक कर्म ना पहुंचे, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो मैम कि कैसे हमें हम तक पहुंचेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को बुखार आ रहा है जी, ठीक है, चलो सपोज फॉर एग्जांपल हम बच्चों का ही लेते हैं। हाँ जी। बच्चे को बुखार आया, गला खराब हो गया, ठीक है, एक दिन बैठ उसे आइसक्रीम खाई या चॉकलेट खाई बहुत सारी, उसका गला खराब हो गया, ठीक है, बुखार आ गया। अब ये क्या है, उसके कर्म ही हुआ ना कि उसने ये सब किया इसलिए उसको बुखार आया। यस मैम। राइट, तो अब आप इसमें क्या करोगे? आप अगर उसको थोड़ा आराम भी दे सकते हो कि भैया थोड़ा देखो दर्द कम हो, बुखार थोड़ा कम रहे, लेकिन वो बुखार और वो जो उसका आफ्टर इफेक्ट है, जो उसने काम किया है, उसका तो उसको भोगना पड़ेगा, वो तो आप अपने ऊपर नहीं ले सकते। हाँ जी मैम। राइट, अब क्या होता है, अब आप अब उसकी आपने नेगेटिविटी निकाली, कम करी, राइट जी, वो जो नेगेटिविटी है वो कहीं तो जाएगी। हाँ जाएगी मैम। तो जब आप एनर्जी एक्सचेंज ले लेते हो, ठीक है, या कोई भी उसके बदले की कोई चीज ले लेते हो, तो वो आपकी कॉर्ड वहां कट जाती है उससे, तो वो चीज नहीं आती जी। हम ये कहेंगे लेन देन खत्म हो गया। लेन देन, हाँ, भूल चूक लेन देन रेडी बाप। ओके 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 मैम, ओके करेक्ट, थैंक यू मैम। तो अभी एक बार लामा फिरा किट आप लोग देख लो, इसमें एक मरून रोब है जो मैंने पहनी हुई है, एक स्केचू माला होती है जो मैंने पहनी हुई है, एक हीलिंग बैंड होता है वो भी मैं दिखा देती हूँ, वैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, थोड़ा लाइट है बट इट इज विजिबल देयर टू। एक यात्रा होता है, बुद्धा की, लॉर्ड बुद्धा की पिक्चर होती है उसमें, और उसके ऊपर सिम्बल्स बने होते हैं, और चार अर्दन स्टिक्स होती है, ठीक है, तो ये होता है। और ये हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि काफी सारे आए हैं ऑर्डर करने के लिए, तो ये ऑर्डर पे बनती है स्पेशली, ओके, मार्केट में जो मिलती है वी डोंट टेक दैट, हम ऑर्डर पे जितनी हमें चाहिए एक सी सबके पास होती है, तो जिसको चाहिए, जिसको करवानी है, तो आप पूनम जी से कनेक्ट कर सकते हैं और वहां पर आप ऑर्डर कर दीजिए, तो हम एक साथ ही सबका बल्क में मंगवाएंगे और फिर उनको उनके घर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आप लोगों के लिए कुछ पैरामीटर्स भी हैं, ऑब्वियसली, है ना, हर हीलिंग मोडालिटीज में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ये मैं एक बार बता चुकी हूँ बट मैं इसलिए बता रही हूँ, एक रिकैप हो जाएगा। स्क्रीन आपको सबको दिख रही है या मैं थोड़ी बड़ी करूँ, कोशिश करूँ उसको बड़ा करने की? आप लोग अगर मोबाइल और से कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट जूम इट। दिख रही है। ओके दैट्स इट, आई विल जस्ट रीड इट आउट, जिसको नहीं समझ आए वो बताइए। Lama Fera healer who pursue the idea of Buddha and make it an essential part of his life through meditation. इसलिए हमारा meditation start हो गया है दो दिन से। At least आप लोग एक एक दो दो बार आके उसको देख लीजिए किस तरह से हो रहा है, फिर आप लोग करो, वो भी चलेगा। लेकिन 7 days meditation में सबको recommend करती हूँ, क्योंकि उसमें हम aura chakra, अपने 7 chakra है और 7 aura है, उसको सबको clean करना है, है ना? तो डेली बेसिस आप एटलीस्ट 7 days तो मिनिमम प्रैक्टिस ले उसकी। नाउ लामा फेरा कैन बी प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ 12 सिंबल्स जो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों लेवल्स पे सिखाए जाएंगे। फर्स्ट 2 महीने की हमारी जर्नी है ये, विच कैन नॉट बी रिवील्ड इवन एज दे यूज टू बेनिफिट पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई कुछ कह रहा है? ये जो है ये बहुत सीक्रेटिव सिंबल्स है, ये जिनको दीक्षा मिल जाती है, मतलब आप लोगों को जब शक्ति पात हो जाएगा आप लोगों का, तभी आप वो आप तक, मतलब आप यूज करने के, कहते ना, एलिजिबल हो जाएंगे, ओके? तो वो एलिजिबिलिटी जिसके पास है वही यूज करेगा, वही उसे देखेगा। आप उसको घर में ऐसे इधर उधर रख भी नहीं सकते हैं, उनको आप प्रॉपर तरीके से अपनी बुकलेट जो बनाएंगे उसको आप ढंग से रखें, ठीक है? तो और सिंबल्स को संभाल के रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मैं यही कराऊंगी सबसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा संभाल के रखिए किसी को दिखाई के लिए। नाउ दो लामा फिरा इस फर्स्ट स्टेज
दो लावा फेराज फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड मूवेबल प्रोसेस. हाँ अच्छा, मैं आपको एक और बता दूं, इसके तीन प्रोसेसेस होते हैं मेनली. इसमें जनरल हीलिंग होती है, मेंटल हीलिंग और फिजिकल हीलिंग. ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको हम मूवेबल प्रोसेस कहते हैं, उसका भी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ. इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट योर फिजिकल मूवमेंट इज नेसेसरी व्हेन यू आर गिविंग एनी अट्यूनमेंट एंड. ठीक है, जब भी जो अट्यूनमेंट्स आपको दिए जाएंगे उसमें ऑब्वियसली वो आई विल बी गिविंग यू एंड यू विल बी जस्ट लाइंग डाउन रिलैक्स्ड और अपने ट्रांस में होंगे आप लोग. ओके, जब जब इंडिविजुअल सबका होगा. तो ये जो है ये टीचर के लिए है मेनली, कि जो फर्स्ट लेवल है उसका जब अट्यूनमेंट लेंगे सेकेंड थर्ड का तो उसमें मूवेबल प्रोसेस होता है. ठीक है, हीलिंग आप लोग करेंगे तो भी उसमें मूवेबल प्रोसेस रहेगा. एंड इवन द फाउंडर क्लियरली मेंशन्ड, फाउंडर मतलब डॉक्टर एस के सेनी, टू हिज डिसाइपल्स दैट एज द सिंबल्स हैव द पावर टू टेक यू इनटू डीप ट्रांस एंड कैन इवन अवेकन द कुंडलिनी फोर्स एंड इन सच सिचुएशन द मास्टर टीचर शुड बी प्रेजेंट टू हैंडल द सिचुएशन. राइट, इसलिए मैं जनरल अट्यूनमेंट्स नहीं देती हूँ, जनरल कुछ नहीं, वन टू वन देती हूँ सारे. नाउ इवन द फाउंडर टोल्ड हिज डिसाइपल्स नेवर टू डिस्क्लोज द नेम एंड द पिक्चर्स ऑफ सिंबल्स ओपनली और ऑन इंटरनेट एज दे आर वेरी सेक्रेड एंड पावरफुल. एज द सिंबल्स हैव सम कनेक्शंस विद तंत्रा, दे कैन बी यूज्ड फॉर नेगेटिव पर्पस इफ एनीवन channelizes them with any negative energy. So to keep their sacredness and purity, it is vital not to openly disclose their details. जैसे अभी हम बोल रहे थे ना अमावस्या के दिन, अभी आप लोग को शायद थोड़ा इस चीज को क्लियर होगा, बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज कनेक्ट करेंगी. जब आप आपके अंदर प्योरिटी आ जाती है ना, तो आप एक मीडियम बन जाते हो ना, किसी भी चीज के सेंसिटिव हो जाते हो. तो इसलिए अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा है. प्रॉब्लम कुछ नहीं आती है, मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है. ठीक है, तो डोंट वरी. सब ये देखिए, ये भी एक बार है, लामा फेरा के टिप्स भी आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बताती जाती हूँ आपको. हीलिंग शुड बी गिवन ऑन अल्टरनेट डेज. ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन हीलिंग होती है इसकी. उसका रीजन ये है कि इसमें इतनी पावर होती है इन सिंबल्स में कि आपकी बॉडी को उसको एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए. ओके, तो इसलिए हमेशा हीलिंग्स अल्टरनेट डेज देनी चाहिए. मैम दिस मींस लाइक हम जो दे रहे हैं उनकी बॉडी को, आप बोल रहे हैं कि जो ले रहा है उनकी बॉडी को उसमें आप दे रहे हो. आप हीलर हो और वो हीलीज है. अच्छा ओके, आप तो, हीलर हो गए ना. हाँ, तो हमारी बॉडी को एक दिन के बाद, इसलिए हम लोग को गैप लेना है क्योंकि आपको आपको तो एनर्जीज उसी वक्त आ जाएगी जब आप अट्यून हो जाओगे ना. तो आपको आपको इतना वो नहीं करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो सामने वाला है उसकी बॉडी उससे एडजस्टेड भी तो होनी चाहिए. हाँ, तो हीली को हीली है ओपन डे के बाद बोल लो, व्हाटएवर जो आपको नाम देना चाहिए. मुझे पेशेंट बोलना पसंद नहीं है. हाँ ठीक है, इसीलिए ठीक है. तो एटलीस्ट थ्री हीलिंग सेशन शुड बी गिवन. जैसे मैंने अभी बताया भी आप लोगों को, तीन सेशंस आपको देने हैं किसी भी माइनर प्रॉब्लम में भी, क्योंकि एक में इतना पूरी तरह से जाता नहीं है. ठीक है, ओल्ड एंड क्रॉनिकली केसेस नीड बिटवीन 5 to 21 सिटिंग्स. जो क्रॉनिक डिजीजेस होती है ना, जैसे अगर कोई आपके पास कैंसर पेशेंट आता है और वो ये बोलता है कि भाई हीलिंग दे दीजिए आप, तो आप हीलिंग आप उसको दे रहे हो तो भी इन चीजों का ध्यान रखिए कि कम से आप उसको सीधा ही बोलो कि मिनिमम 21 लगेगा और उसके आगे लगे तो कुछ कह नहीं सकते. डिपेंड करता है कि वो पेशेंट किस तरह से एनर्जीज को ले पा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर आप ये कर सकते हो. यहाँ पर जैसे होता है ना, कुछ लोग इतना पेमेंट नहीं दे पाते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हो. आप उससे दान भी करवा सकते हो. ठीक है, कि चल भाई 21 है तो 10 के पैसे दे दे, 11 के दान कर दे, मतलब कुछ खिला दे किसी को, गरीब को खिला दो, भूखे को खिला दो, बच्चों की पढ़ाई का कर दो. अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको नहीं लेना, इट्स ऑल इंडिविजुअल. ठीक है,
लेकिन मिनिमम 1100 तो जनरल हीलिंग का है, आप कैंसर और इसकी ज्यादा भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। क्लियर है? नाउ फॉर प्रॉपर्टी शॉप्स फैक्ट्रीज एक्सेट्रा जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हीलिंग इज वेरी इफेक्टिव ऑन फुल मून डे, ये आप लोग नोट कर लीजिए। As the positive energies are at peak at this time of the month. So property or shops, factories, problems, healings, ये वास्तु healings ये जितनी भी होती है ना, ये आप अब पूर्णिमा पूर्णिमा करेंगे तो बहुत अच्छी होती है। अपने घर की नहीं बोल रही, उसमें घर की नहीं है, जैसे ब्लैक मैजिक की जो हीलिंग्स होती है, जो ब्लैक मैजिक कहते हैं ना कि शॉप पे से हटाना है, फैक्ट्री में है, उसमें है, तो वो आप पूर्णिमा वाले दिन कर, उसके टाइम पीरियड्स होते हैं वो, मैं जब वो स्टेप आएगा लास्ट में, ये सब लास्ट में आएगा, आपका सेकेंड मंथ का जर्नी है ये, ठीक है? तो तब मैं आपको वो सब डिटेल्स बताऊंगी कैसे करना है, कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है, उसके क्या क्या प्रोसेसेस है। ओके, नाउ डोंट गिव हीलिंग्स ऑन अमावस्या एज द नेगेटिव एनर्जीज आर एट पीक एट दिस टाइम ऑफ द मंथ। ओके, द एनर्जीज प्रिवेल फॉर एटलीस्ट अ डे और टू बिफोर एंड आफ्टर बोथ पूर्णिमा एंड अमावस्या, ठीक है? और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इसमें मैंने नोट लिखा नहीं है, आई ऐड दिस, अगर किसी को कट है, कहीं पर भी किसी को कट है, जैसे चक्कू से हाथ कट गया है, तो उसको हीलिंग्स मत दीजिए, उसका रीजन है, जब हम हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग का क्या मतलब है कि उसके अंदर से हम नेगेटिविटीज बाहर निकाल रहे हैं। अगर उसकी बॉडी पर कहीं पर कट है, कहीं सर्जरी हुई हुई है और टाके मतलब सूखे नहीं है, ओके, तो वो नेगेटिव एनर्जीज वहां से वापस उसके अंदर चली जाएगी, तो आपकी आपका हीलिंग करना वेस्ट जाता है। क्लियर? तो अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो लेट द वुंड बी हील्ड, आप उसको ऐसे ही आप आशीर्वाद दे दो, ऐसी दूर से हीलिंग दे दो कि भाई आपका सब ठीक होगा, बुद्धा के एनर्जीज आप उस तक पहुंचा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट जो प्रॉपर जो प्रोसेस है लामा फेरा हीलिंग जिसको बोलते हैं, वो आप उनको नहीं देंगे जब तक उनका जख्म नहीं भरेगा। इज दैट क्लियर?